वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? हम बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट एक महीने बाद वीडियो लेके आए हैं। लास्ट हमारा था गोलगप्पा चैलेंज, उसके बाद आपको पता है दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग गया। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से हम कुछ बना नहीं पाए, तो ऑलमोस्ट एक महीना है और आज हम आए हैं हुड्डा सिटी सेंटर। इनफैक्ट स्मैश आए हैं और हम गो कार्टिंग करने जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आए। मैं सबसे आपको मिलाता हूँ, जब एक बार हम स्मैश पहुँच जाएंगे तो सबको दिखाता हूँ। तो आज गाइस हम लोग स्मैश जाने वाले हैं और हमारे साथ कम से कम 5 से 6 बंदे आए हुए हैं और मैं आपको सबको दिखाऊंगा कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया। कुछ लोगों को आप जानते हो, कुछ लोग पहली बार आए हैं ब्लॉग के अंदर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो वी गोइंग फॉर स्मैश, हम गो कार्टिंग करने जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो चलो मैं आपको अब स्मैश जाके मिलता हूँ। एक गाइस 5 मिनट की वॉक के बाद हम आ चुके हैं। हम एक्चुअली उतरे थे मेट्रो स्टेशन हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, वहाँ बिल्कुल ही उसके पीछे ही है। तो 5 मिनट की वॉक थी, 5 मिनट का वॉक करके आ गए हम लोग और आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम आ चुके हैं स्मैश और स्काई कार्टिंग करने। तो लेट्स सी, अभी अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। तो विल सी यू इनसाइड। तो गाइस आ चुके हम लोग, आप देख पा रहे हो पीछे गो कार्टिंग के लिए। बस ये है कि वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम थोड़ा लेट आए हैं तो अभी हमें अराउंड 1-1.5 घंटे की वेटिंग करनी पड़ रही है। तो जब तक हम कुछ खा लेंगे और उसके बाद हम गो कार्टिंग के लिए आएंगे। बट मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, तो जब तक आप शॉट्स एंजॉय करिए गो कार्टिंग का। बोलो हेलो गाइस। देख रहे ट्रेनिंग तो गाइस फाइनली आप लोगों को मिला दे कौन कौन आया। ये रहा अमन, हेलो, और ये हमारे साथ जैकलिन आई है। इसको आप हारते हुए देखा होगा आपने गोलगप्पे चैलेंज में, ये वही लड़की है। एज यूजुअल केडन, हेलो केडन। ये माइकल भी आज आया है जो हमारे गोवा व्लॉग के बाद कहीं नहीं आया। ये मेरी ब्यूटीफुल वाइफ डैफनी, ये शाय बॉय शाहरुख और निखिल। बस गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि 1-1.5 घंटे की वेटिंग है। तो पहले आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद फिर आपका टाइम स्लॉट आपको मिलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक बैच यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए और एक की रेस ऑलरेडी चल रही है। तो जब उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये बैच जाएगा और फिर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं ऑलरेडी हमसे पहले। तो जब इन सब लोगों का हो जाएगा तो फिर हमारी बारी है अराउंड 1-1.5 घंटे के बाद। तो Pretty excited. Let's see what happens. ये मेरा first time है go karting का and I think it's pretty amazing कि हम ये electric वाले उसमें आए हैं rather than motor वाले because it looks really fast. तो guys हमने order कर दिया और अब बैठे हुए हैं, काफ़ी सारा खाना मंगा लिया है और जब खाना आता है तो वो भी दिखाएंगे कि क्या क्या मंगाया है। और हमारा टाइमिंग एग्जैक्टली आई थिंक 5:17-5:20 के अराउंड टाइम है, तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। और एक और हमारा दोस्त आया विक्टर, तो मैं उससे भी आपको मिलाता हूँ, विक्टर से भी मिलाता हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद चलेंगे ऊपर गो कार्टिंग करेंगे और फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या किया जाए। सो लेट्स वेट एंड सी हाउ इट गोज। कोक आ चुकी है हमारी और अब हम खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये मेरा कैमरामैन अमन और ये विक्टर है जो अभी आया है बहुत दूर से, कुछ इम्पोर्टेंट काम करके आया है। शक्ल तो दिखाते मेरे भाई। अरे यार ऐसे करेगा क्या यार, संजय का यार तू। वो कह रहा है मैं हार जाऊंगा तो मैं अभी से शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी, अभी से शक्ल छुपा रहा हूँ। गाइस बस हमारी बारी आने वाली है और आप ये देख पा रहे हो गो कार्ट, में बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। तो ये आपका गो कार्ट है, आपका राइट साइड एक्सेलेटर है और सेम टू सेम ऐसा एक पैडल होगा लेफ्ट साइड में जो कि ब्रेकिंग है।
और इस गो कार्टिंग की सबसे अच्छी बात है कि ये पलटता नहीं है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही ज़मीन से लगी हुई है, तो ये चाहे जितना तेज़ आप टक्कर मार लो ये पलटेगी नहीं। तो गाइस पहले ये हमारे चार धुरंधर जाएंगे, देख लो इनकी शक्ल, आने के बाद पता नहीं कैसे लगेंगे। क्या लगता है तुम चारों में से कौन सबसे फास्टेस्ट लैप होगा? चलो लेट्स सी। जैकलिन हर हर महादेव। जैकलिन ठीक ठाक वापस आ जाइयो, घर भी जाना है तेरे को। सीट आगे कर लियो, वो कर देंगे आके। जैकलिन मैसी खानदान की इज्जत दांव पे लगी है, आज जीतना है तेरे को। तेरे से तो पूछूंगा नहीं कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो बहुत बार आ चुका है। हाँ पता है, मजा ही आ गया बिल्कुल। ऑसम तू 6th या 7th थी, यू आर प्रीटी स्लो। मैं पहले जाते ही थक गई भाई। अब तो हम लोग तैयार होने जा रहे हैं, निखिल लोगों का राइड हो चुका है, निखिल उसमें सेकंड आया, तो मतलब हम में से अभी फर्स्ट सिर्फ निखिल है, उसका 38 सेकंड्स का फास्टेस्ट लैप है, और अभी मैं माइकल विक्टर और डैफनी जा रहे हैं, तो देखते हैं हम में से फास्टेस्ट कौन आता है। तो चलो हम तैयार होते हैं, मैं जा रहा हूँ डैफनी के साथ, तो डैफनी के साथ कॉम्पिटिशन लगेगा, बाकी इन दो लड़ने के साथ तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि जो हम तीनों में से फर्स्ट आएगा या मुझसे जो भी पहले आ गया तो उसकी पेमेंट मैं करूँगा इन दोनों में से, तो देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है हम तीनों में से। मेरा तो वो करेगा ही। We'll be right back.
हेलो ब्रो, आप क्या आप अपने गाइस को बताएंगे कैसा था ये? एक मिनट भाई, मज़ा आ गया। ऑसम भाई, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा गो-कार्टिंग का? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। इट वाज वेरी अमेजिंग, फन टाइम। ऐसे टाइम बार बार आए हमारे। बिल्कुल ऐसे टाइम बार बार आए हमारे। और अभी तो गेम ये शुरू हो गया, बट अगर आप देख सकते हो, एक मिनट मैं जूम करके दिखाता हूँ। विक्टर फर्स्ट आया है, मैं सेकेंड। ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारे में, बट डेफिनी लास्ट और माइकल सेकेंड लास्ट। तो ये हमारा स्कोर था। अच्छा हुआ कि ये स्कोर हमने कैप्चर कर लिया, अभी ज़िंदगी भर ये याद रहेगा हमें। तो गाइस, अभी हम लोगों ने गो कार्टिंग तो कर लिया, आप लोगों ने देखा कि कैसा फन रहा। मेरा फर्स्ट टाइम था, बट स्टिल आई मैनेज टू बीट एवरीवन। सिर्फ विक्टर रह गया, अगली बार होपफुली विक्टर को भी हराऊंगा। तो बस अभी बाहर निकले, मौसम अब थोड़ा सुहाना हो गया, थोड़ा ठंड हो गया, तो आप देख रहे हो जैकेट वैकेट पहन लिया। अभी वापस मेट्रो में बैठेंगे और घर चलेंगे, और उसके बाद देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता, नहीं तो फिर हम आज की व्लॉग की क्लोजिंग कर देंगे। सो चलो, अब घर पहुँच के फिर मैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको भी उतनी पसंद आई होगी जितना हमें फ़न आया आज की वीडियो बनाने में और गो कार्टिंग इन्जॉय करने में। पता है काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, ऑलमोस्ट एक महीने बाद। सो बट वीकेंड कर्फ्यू था, क्या कर सकते हैं। होपफुली यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और मेरे जो 250 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सारे आप लोगों को थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। होपफुली आगे भी ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और प्लीज़, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, सो दैट मेरी वीडियो आगे बढ़े और लोग उसको देखें और मेरे और सब्सक्राइबर्स बढ़े। अप टिल दैट टाइम विद न्यू वीडियो नेक्स्ट वीक, आई विल कम बैक, एंड फॉर नाउ पीस आउट, टेक केयर।